हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विथ स्टॉक मार्केट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरिको के बारे में। फाइनली मेरिको के Q3 के नतीजे आ चुके हैं और नतीजों का इम्पैक्ट भी हमें शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, जो कि आपको पता ही होगा कि मेरिको FMCG सेक्टर में काम करने वाली एक कंपनी, जो कि रिजल्ट ज़बरदस्त नज़र आया है और जिसका इम्पैक्ट आप देखोगे तो शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अभी तकरीबन 3.70 रुपये की बढ़ोतरी के साथ मैं ट्रेड करता हूँ मेरिको नज़र आ रहा है और अभी तकरीबन तो 3:26 होने आई है, ऑलमोस्ट मार्केट क्लोज होने आई है, फिर भी 3.70 रुपये की तेज़ी देखने को मिल रही है, जो कि अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो हमें अच्छी खासी आज गिरावट देखने को मिल रही थी। निफ्टी की बात करें तो तकरीबन 272 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी की बात करें तो तकरीबन 900 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। तो आज देखा जाए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में भारी प्रेशर नज़र आ रहा है, फिर भी हमें मेरिको में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो रिजल्ट्स के चलते ये दोस्तों अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और रिजल्ट्स के चलते हमें नेक्स्ट किस तरह के लेवल और टारगेट देखने को मिल सकते हैं मेरिको में, उसके ऊपर भी हम पूरा एनालिसिस करेंगे चार्ट के ऊपर, और रिजल्ट्स किस तरह के देखने को मिलता है उसके ऊपर भी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इंकरेज करना ना भूले, और चैनल पर नया है तो ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हम मेरिको के Q3 के रिजल्ट्स के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने PDF फाइल ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज देखने को मिलेगी वो इन करोड़ में देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको Q3 के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको Q2 के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको पिछले साल Q3 के नतीजे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे Q2 किस तरह के डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं रिजल्ट्स में, और ईयर टू ईयर किस तरह के हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल इनकम की, तो जो टोटल इनकम देखने को मिल रही है इस क्वार्टर में यानी Q3 में, वो तकरीबन 2146 करोड़ का हमें टोटल इनकम आता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में तकरीबन 2016 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। तो यहाँ पे हमें Q2 बेसिस पे इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल Q3 में तकरीबन 1853 करोड़ का टोटल इनकम रहा था, तो यहाँ पर हमें ईयर वन ईयर बेसिस पर भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, इनकम में अच्छी खासी बढ़ोतरी आती हुई देखने को मिल रहे। तो यहाँ पे दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि Q2 एंड ईयर टू ईयर हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है टोटल इनकम में। और अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी ने किस तरह के खर्चे किए हैं वो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं। इस क्वार्टर की बात करें तो 1752 करोड़ का खर्चा देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में तकरीबन 1641 करोड़ का खर्चा किया था। जिसे देखा जाए तो यहाँ पे खर्चा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि इनकम में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। तो इनकम बढ़ेगा तो डेफिनेटली खर्चा भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, और पिछले साल की बात करें तो तकरीबन 1495 करोड़ का खर्चा रहा, तो यहाँ पे भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे खर्चा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पे इनकम में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो यहाँ पे अगर हम सीधा सीधा देखें तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टोटल इनकम है उस टोटल इनकम में से अगर आप इस खर्चे को माइनस करते, अगर जो एक्सपेंस है कंपनी का उसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे जो प्रॉफिट निकल के आएगा बिफोर टैक्स बिफोर प्रोविजनिंग वो यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन 394 करोड़ का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में तकरीबन 375 करोड़ का प्रॉफिट रहा था, और अगर हम पिछले साल की बात करें तो तकरीबन 358 करोड़ का। तो यहाँ पे आप देखोगे तो Q2 एंड ईयर टू ईयर हमें प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है वो बिफोर टैक्स ए प्रॉफिट है, अगर यहाँ पे हम देखें कि कंपनी ने आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कितना किया है तो वो यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो तकरीबन 312 करोड़ का नेट प्रॉफिट मेरिको ने किया है, जो कि पिछले क्वार्टर की बात करें तो तकरीबन 272 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था, और पिछले साल में तकरीबन 275 करोड़ के आसपास का। तो यहाँ पे दोस्तों Q2 बेसिस पे भी हमें नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और ईयर टू ईयर भी नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें Q3 के रिजल्ट में देखने को मिल रहा है मेरिको का। तो इस रिजल्ट से दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। अगर दोस्तों आपने मेरिको में पोजिशन बनाई है या तो फिर मेरिको में होल्डिंग है तो आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम पर दोस्तों मेरिको को होल्ड करना चाहिए। कंटिन्यूसली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है दोस्तों मेरिको, जो कि FMCG में काम करने वाली है कंपनी, दोस्तों कंटिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट कर रही है।
और यहाँ पे आप देखोगे तो अगर हम EPS की बात करें तो अर्निंग पर शेयर रेशियो यहाँ पे जो निकल के आ रहा है EPS वो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं। इस क्वार्टर की बात करें तो 2.38 रुपये का हमें अर्निंग पर शेयर रेशियो देखने को मिल रहा है, यानी पर शेयर पे कंपनी को 2.38 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर की बात करें तो 2.05 रुपये का पर शेयर प्रॉफिट हो रहा था, पिछले साल क्वार्टर थ्री की बात करें तो 2.11 रुपये का। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमें कंटिन्यूसली अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे रिजल्ट्स तो काफ़ी ज़बरदस्त मुझे देखने को मिले हैं, गजब के रिजल्ट्स आए हैं, अच्छे रिजल्ट्स कह सकते हैं। और रिजल्ट्स का इम्पैक्ट हमें शेयर प्राइस के ऊपर भी देखने को मिल रहा है, पूरा मार्केट गिरा हुआ है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैरिकॉम में अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। आगे किस तरह के लेवल और टारगेट हमें मैरिकॉम में देखने को मिल सकते हैं उसके ऊपर हम पूरा एनालिसिस करते हैं, तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं और यहाँ पे मैंने मेरिको का चार्ट ओपन किया हुआ है और ये चार्ट मैंने यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ करके रखी है और लेवल्स भी आइडेंटिफाई करके रखे हैं, जिसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट किस तरह के लेवल और टारगेट हमें मेरिको में देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ज़ीरोधा में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज़ीरोधा में भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जिस किसी ने भी हमारे लिंक थ्रू ज़ीरोधा में बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है वो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, उसको हम हमारा जो पेड सर्विस ग्रुप हम स्टार्ट करेंगे उसमें उसको हम ज्वाइन करेंगे। और देखा जाए तो अभी यहाँ पे मेरिको तकरीबन 412 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पे अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो 402 रुपये का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों आपने मेरिको में शॉर्ट टाइम फ्रेम पे पोजीशन बनाई है या तो फिर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 400 रुपये के SL के साथ अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और उसके नीचे दूसरे सपोर्ट लेवल की बात करें तो 390 का यहाँ पे दूसरा सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है, जो कि 402 रुपये का अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। बार बार इसी पे सपोर्ट लेता हुआ हमें मेरिको नज़र आ रहा है। और ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो तकरीबन 417 रुपये के ऊपर निकलता है, तब दोस्तों मेरी सलाह रहेगी कि आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हैं और आपका जो पहला टारगेट आएगा वो 424 रुपये का और उसके ऊपर 432 रुपये का। तो ऊपर के लेवल पे ये 3 रेजिस्टेंस लेवल को आप वॉचआउट कीजिए। और अगर दोस्तों आप शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं मेरिको में तो जैसा मैंने आपको बताया 417 रुपये के ऊपर क्लोजिंग भी देता है, तब भी आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं मेरिको में 400 रुपये के SL के साथ। यहाँ पे आप 432 तक के भी टारगेट ले सकते हो और जैसे ही 432 के ऊपर निकला तो फिर आपको एक बड़ी तेज़ी मेरिको में आती भी देखने को मिलेगी। तो इन लेवल को दोस्तों आप वॉचआउट कीजिए और आप अपना भी एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही दोस्तों पोजीशन बनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करना ना भूले, और चैनल पर नया है तो ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।